हाँ, तो OCM ऑर्गेनाइजेशनल कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, ये कंसेप्ट किन किन लोगों को थी, या कॉमर्स में किसके पास थी 12th में, या इसकी जगह पे मैथ्स था? एनीवन टेल मी। अनम, फिजा, हुजैफा, इब्राहिम। हेलो, आवाज आ रही है ना अनम? निधि, हेलो, रोहित, राहिल, सदफ। यस सर। हाँ, तो रिस्पांस क्यों नहीं आ रहे? जिशान, अनम्यूट योर सेल्फ। हेलो। निधि, काय होतं तुझ्याकडे? हाँ सायन्स यस, सायन्स होतं की कॉमर्स होतं? 12th मध्ये कॉमर्स कॉमर्स मध्ये ओसी होतं का तुझ्याकडे? होता। काय काय होतं ओसी मध्ये? सोल प्रोप्राइटर होतं का? हो सोल ट्रेडर पार्ट। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सोल ट्रेडर। हेलो। हाँ बोल। लाइक तो हाँ अरे, एग्जाम देऊन आलात ना तुम्ही? सर, हाँ, मग सोल ट्रेडर ची कन्सेप्ट नाही छोटीशी एक्सप्लेन करू शकत? सोल ट्रेडर मध्ये 1% बिजनेस करता। व्हेरी नाइस। म्यूट योर सेल्फ। अनम, अनम्यूट। अनम, हेलो, फिजा, अनम्यूट योर सेल्फ। हुजैफा, यस सर। और कौन सी कंसेप्ट सीखे है तुमने ओसी में, ओसीएम में? हेलो, योर नॉन रिस्पॉन्स। बहुत डल बच्चे, कोई फायदा नहीं इनका ग्रेजुएशन। कंपनीज, द टाइप्स ऑफ कंपनी अंडर द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ओके, द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैज सेपरेट लीगल इंडस्ट्री ऑफ दिस ओनर एंड देयर ओनर हैड द लिमिटेड लाइबिलिटी। प्राइवेट लिमिटेड कैसे रहते हैं, जिसका एक ओनर होता है, उनको सम लिमिटेड लाइबिलिटीज रहते हैं फ्रॉम गवर्नमेंट, लाइक लिमिटेड शेयर इशू करना एंड अदर्स। द कंपनी हैज अ कंटिन्यूइंग कॉल सेल कॉल शेयर टू फ्रेंड्स और फैमिली। वो मैक्सिमाइज जो लिमिटेड शेयर होते हैं किसमें बेचते हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली में, ताकि जो शेयर इशू एक्सपेंसेस हो और शेयर सेल हो वो किसमें हो, जो फ्रेंडली हो। ऑल्दो द विद इन द कंसेंट ऑफ शेयर होल्डर द बिजनेस कैन नॉट मेक लीगल कॉन्ट्रैक्ट। और जो शेयर्स के बीच में जो होने वाला है उसके बीच में वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, यानी ओनर के बीच में वो कोई लीगली फॉर्म नहीं ले सकते, जस्ट एक रिटर्न स्किल रहेगा कि शेयर है। एडवांटेज ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या है, देखो, दिस द सेल ऑफ शेयर मार्केट मेक्स राइजिंग द फाइनेंस ऑफ लॉट इराइजर। वो जो शेयर बेचते हैं उसका क्या बेनिफिट होता है कि उनको मनी मिलती है फॉर प्रोडक्शन। शेयर होल्डर हैव लिमिटेड लाइबिलिटी, और शेयर होल्डर को लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, ज्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते, जस्ट ओनली फॉर डिविडेंड। और वो डिविडेंड कब देना है इज अ ओनर आई डिसाइडेड। देयरफॉर इट इज अ सेफ फॉर द पीपल इन्वेस्टमेंट, बट क्रेडिट मस्ट बी बिकॉज इट इज द बिकॉज ऑफ फेल दे विल नॉट देयर द मनी बैक। अगर कंपनी डॉब हो गई
तो जो शेयर का पैसा है वो रिटर्न मिलेगा, उसकी कोई फिक्स बात नहीं है. तो ओनर नीड्स टू डील विद मैनी लीगल फैसिलिटी. डिसएडवांटेज क्या है? फॉर्मेलिटीज बिफोर द फॉर्मेलिटी ऑफ प्राइवेट कंपनी. अगर डिसएडवांटेज क्या है कि अगर हमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डालनी है तो उसके बहुत से लीगल इश्यूज है, उसको कंप्लीट करना होता है, बहुत से लीगल पेपर जनरेट करने होते हैं, लाइक रजिस्टर्ड अंडर कंपनी 56, देन प्राइवेटाइज एक्ट, लीगल एक्ट, बहुत से जो हम इंडस्ट्रियल लॉ में सीखने वाले. द आर्टिफिशियल अब कंपनी का क्या रहता है, द आर्टिकल आर्टिकुलर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या बोला है, द कंटेंट ऑफ रूल हाउ टू कंपनी विल बी मैनेज, कि कैसी होनी चाहिए कंपनी. इट्स स्टेट द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स. उसके अंदर हमें क्या क्या लिखना है, डायरेक्टर्स की ड्यूटीज क्या रहेंगी अंडर माई प्राइवेट लिमिटेड, एंड द रूल ऑन द इलेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ होल्डिंग ऑफिशियल मीटिंग, और उसकी मीटिंग्स कैसे होंगे, एज वेल एज इशूइंग अ शेयर, और शेयर कितने इशू करेंगे, कब करेंगे और कैसे करेंगे. ओके, द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसे क्या कहते हैं, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर कंपनी. ओके, देयर इज अ कंटेंट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी एज डायरेक्टर, कंपनी और डायरेक्टर के बारे में ब्रीफली. द ऑफिशियल नेम एंड एड्रेस आर रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी मस्ट बी स्टार्टेड. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्या होने वाला है, हम हमारे कंपनी का नाम डिक्लेयर करने वाले कि हमें कंपनी का नाम क्या होना चाहिए. और तीन चार नाम देते हैं, उसमें से वो कौन सा नाम परफेक्ट है और किसी ने इससे पहले नहीं यूज किया हुआ है वो देखा जाएगा. द कंपनी नेम आर सिलेक्टेड एंड डिक्लेयर. द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी मस्ट बी गिव एंड ऑल्सो द अमाउंट ऑफ शेयर. यानी इन शॉर्ट तुम्हारी कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ब्रीफली तुम्हें बताना होता है. ऑब्जेक्टिव क्या है, एम्स क्या है, क्यों स्टैब्लिश कर रहे हैं, इन कौन से फॉर्म में होगी, क्या है, ये ब्रीफली बोलना है. देन कैपिटल द ओनर ऑफ इंटेंट द राइज द नंबर ऑफ शेयर about each of directly must. Okay, then certificate of incorporation. और इसके बाद तुम्हें क्या मिलेगा, एक certificate मिलेगा. So कौन सा certificate, कि you are established incorporation, यानी organization तुमने establish की है as a company है. The document issued by the registered company, it will be allowed to company start for trading, यानी तुम trade कर सकते हो. Shares cannot be freely sold without the consent of all shareholders. शेयर अगर हम तुम्हें बेचने हैं प्राइवेट लिमिटेड के, फ्री शेयर नहीं होता, जब बेचने हैं किसी के दूसरे को तो ट्रांसफर के वक्त तुम्हें वो जो 50 मेंबर्स रहते हैं, मिनिमम मैक्सिमम 15 मिनिमम 2, उन सबके अथॉरिटी लेना पड़ता है कि मैंने बेचा या न्यू मेंबर लाया मेरी जगह पे चलेगा या नहीं, बिकॉज इट्स अ पब्लिक लिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी रहती है. द अकाउंट ऑफ द कंपनी लेस सीक्रेट देन द सोल ट्रेडर एंड पार्टनरशिप. अब सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, जो दो पार्टनर हैं उनके पास ही वो अकाउंट्स रहेंगे, या सोल ट्रेडर के पास वो अकेले के पास रहेंगे. लेकिन जब कंपनी एक्ट के अंडर जाता है या पब्लिक लिमिटेड के, प्राइवेट लिमिटेड के अंडर जाते हैं, तो उसके जो अकाउंट्स हैं वो अकाउंट्स कौन देखेगा, वो 50 मेंबर्स देखेंगे. यानी 50 मेंबर्स और अदर्स को बोल सकते हैं कि उस कंपनी में क्या ड्रॉबैक्स है, कितना लॉस है, कितना प्रॉफिट है. इसलिए वो जो सीक्रेसी है, सीक्रेसनेस है, वो कम हो जाती है. देन कैपिटल इज स्टिल लिमिटेड as the company cannot be sell shares to the public. Capital limited क्या होता है, company limited रहता है तो publicly हम उसके share को नहीं. As compared to the public limited company, देखो ये क्या रहती है, it is a artificial memorandum. Okay, public limited company is similar to the private limited companies, but they are able to sell share to the public. वो easily share एक दूसरे को बेच सकते. एक फीजी फॉर्म, उसके लिए तुम अथॉरिटीज लेने की नहीं, तुमने आज शेयर खरीदे, मार्केट रेट इंक्रीज हुआ, दूसरे दिन किसी दूसरे को बेचे, ये किस में हो सकता है, सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनी में, या लिस्टिंग कंपनी बोला जाता है. और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन बी कन्वर्टेड इनटू पब्लिक लिमिटेड कंपनी बाय, कैसे कन्वर्ट किया जाता है, अ स्टेटमेंट इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मस्ट बी मेड सो दैट इट इज सेड दैट से दिस कंपनी इज पब्लिक लिमिटेड कंपनी. इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि वी आर कन्वर्टेड इनटू पब्लिक लिमिटेड कंपनी या इक्विटी शेयर कंपनी. And then it is converted. All accounts must be made by public. और जो accounts है वो तुम्हें disclosure करके public में disclosure सबको दिखाने पड़ेंगे. Open limited. The company has to apply for listing in stock exchange. उसके बाद उसको stock exchange में listing करके उधर उसका नाम डालना पड़ेगा और उसको listing company के ऊपर बनाना पड़ेगा. A prospector must be issued. यानी हर साल जो fairs है वो fairs के prospector बनाने पड़ेंगे, company क्या करती है क्या नहीं करती, और वो मस्ट भी इश्यू करने पड़ेंगे. एडवाइस टू द कस्टमर टू बाय शेयर एंड इट्स हैज टू स्टार्ट कैपिटल. एडवांटेज देखो क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी टू शेयर होल्डर. यहाँ लाइबिलिटी शेयर होल्डर को कम होती है. इट मीन्स सिर्फ शेयर खरीदो और शेयर का बेनिफिट उठाओ, अगर लॉस होगा तो उसमें तुम्हें कोई
पार्टनरशिप नहीं मिलेगी, जस्ट डिविडेंड नहीं मिलेगा, लिमिटेड लाइबिलिटी। देन कंटिन्यूटी, प्रोसेस कैसे कंटिन्यूटी हो, आराम से चलने वाली बड़ी लार्ज नंबर कंपनी, कंटिन्यूइंग प्रोसेस। देन पोटेंशियल टू राइज, लिमिटेड कैपिटल, लिमिटलेस कैपिटल पोटेंशियल है। क्यों? क्योंकि पब्लिक लिमिटेड है, अनलिमिटेड शेयर सेल होंगे तो हुज फाइनेंस होगा, और हुज फाइनेंस है तो नंबर ऑफ अमाउंट जनरेट होगी और नंबर ऑफ प्रोडक्शन होगा। देन नो रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांजेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर, शेयर के ट्रांसफर पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, कोई भी कभी भी किसी टाइम पे भी किसी को भी शेयर बेच सकता है। हाई स्टेटस विल अट्रैक्ट इन्वेस्टर एंड कस्टमर, स्टेटस कैसा रहेगा, हाई रहेगा फॉर अट्रैक्ट टू कस्टमर। डिसएडवांटेज देखो क्या है, फॉर पब्लिक लिमिटेड मेनली लीगल फॉर्मेलिटीज रिक्वायर फॉर द फॉर्म ऑफ बिजनेस, जब पब्लिक लिमिटेड बिजनेस बनाना है तो उसको प्राइवेट या पब्लिक करो या पब्लिक लिमिटेड को, तो तुम्हें ऑल क्लेरिफिकेशन पेपर दिखाने पड़ेंगे, लीगल इश्यूज को कंपनी एक्ट के अंडर जो है जितने भी लॉज है रेगुलेशन है सब क्लियर होना, मेनली रूल्स एंड रेगुलेशन टू प्रोटेक्ट शेयर होल्डर, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे जो प्रोटेक्ट शेयर होल्डर को प्रोटेक्ट करेंगे, इंक्लूडिंग द पब्लिक ऑफ एनुअल अकाउंट, पब्लिशन ऑफ एनुअल अकाउंट जब पब्लिश किया जाएगा तो उसमें क्या डालना चाहिए, कितना चलना चाहिए, विंडो डिजाइनिंग, इट्स कॉल्ड विंडो डिजाइनिंग, क्या दिखाए इसके ऊपर तुम्हें रेस्ट्रिक्शन बनाने पड़ेंगे। Then selling of share is expensive because the commission paid to bank, इनकी जो share trading होती है outside होती है, in the share market या trade market में होती है, तो जब sell होगा तो उसका हमें एक अलग से brokerage देना पड़ता है to the brokers। Then difficulty to control them so large, control करना tough है because the organization or public limited is large company like railways is a public limited sectors, state transport public limited sector. Owner loss control, lose control when the original owner hold less 51%. इसमें जो original owner होता है उसका कितना होता है, less than 51%, remaining public का होता है। It means 49% owner का रहेगा, 51% public holding share रहेंगे। Control and ownership of public limited company कैसा रहता है, the annual general meeting be held every year, क्या होंगे annual general meeting होंगी, उसके अंदर हर साल का पूरा डिटेल्स दी जाएंगी, कंपनी कैसे चल रही है, क्या चल रही है, शेयर होल्डर्स को डिटेल्स दी जाएंगी, देन अगले साल क्या करना है वो क्लियर करके लिया जाएगा, वो प्रपोजल पास करके लेके जाएंगे, और एनीथिंग एनी वे वे बी डन बाय डायरेक्टर्स, वह एनुअल जनरल मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहेंगे, वो डायरेक्टर्स भी इलेक्शन बाय इलेक्शन किए जाएंगे, उनसे काम किया जाता है। तो कंपनी के टू पार्ट्स रहते हैं, शेयर होल्डर ओन द कंपनी, ऑन द कंपनी एंड डायरेक्टर एंड मैनेजर्स कंट्रोल कंपनी। अब जब शेयर होल्डर ओन्स कंपनी तो पूरी शेयर होल्डर्स के अंडर रहती है कि क्या करना है, बट जब डायरेक्टर्स एंड मैनेजर्स कंट्रोल रहेंगी तो मैनेजर्स एंड डायरेक्टर्स मिलके कुछ अथॉरिटीज रखते हैं और वो हमारे रिलेटेड यानी पब्लिक रिलेटेड डिसीजन लेते और वो वर्क करा के लेते। दिस इज कॉल्ड डाइवर्स बिटवीन ओनरशिप एंड कंट्रोल बिकॉज शेयर होल्डर इन्वेस्ट इन द कंपनी एग्जिस्टिंग डिविडेंड। शेयर किसके लिए आता है, हम डिविडेंड के लेते हैं, हम देखना चाहते हैं कि आपके काम क्या हो रहा है, मेरा शेयर है तो मुझे बताओ कि कौन सी मशीन चल रही है, नहीं तो ये कौन देखेगा, अगर वो अच्छे से चलेगा तो कंपनी चलने वाली है, तो हुआ मैन इंटरेस्टेड, कंपनी होल्डर आर इंटरेस्टेड। देन कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव बिजनेस आप लोगों ने सुना होगा जो कोऑपरेटिव वर्क के लिए होता है। कोऑपरेटिव आर द ग्रो ग्रुप ऑफ पीपल हु एग्री टू वर्क टूगेदर, पुल देयर मनी टूगेदर बाय बल्क देयर फीचर्स। दो मैटर हाउ मच कैपिटल इज देयर एंड इन्वेस्टेड, यानी कितने नंबर ऑफ शेयर है उतना तुझे वेटेज नहीं, सबको इक्वल वेटेज, चाहे तो 1000 शेयर लो या 10 शेयर लो, ये डिफरेंस रहता है। इट इज पब्लिक लिमिटेड में 10,000 शेयर को 10,000 राइट, 1,000 शेयर को 1,000 राइट, 100 शेयर को 100 राइट, ये तो 1,000 लो 100 लो या 100 लो, ऑल थिंग आर इक्वल राइट। और वर्कलोड एंड डिसीजन मेकिंग इक्वल शेयर, यानी डिसीजन जो लेंगे वो इक्वालिटी में लेंगे क्योंकि सबके राइट्स ले जाएंगे। अ मैनेजर मे बी अपॉइंटेड टू बिगर कोऑपरेटिव, बिगर यानी बड़े कोऑपरेटिव में मैनेजर अपना किया, यानी छोटे से मेंबरशिप में हैंडल किया जाता है। अब प्रॉफिट आर शेयर आर इक्वली, और जब प्रॉफिट होगा वो इक्वली किया बांट के लिया जाता है। अभी उसमें दो टाइप्स की कंपनी होती है, एक प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव एंड रिटेल कोऑपरेटिव। रिटेल कोऑपरेटिव यानी जो तुम्हारे रहती है कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसमें सस्ते में गुड्स मिलते हैं, और प्रोड्यूसर
just like a business of cooperative business, like bank. Bank जो रहती है ना, cooperative banks, ये producer cooperative bank. और retail इसमें goods मिलते हैं, like mall रहता है, लेकिन cooperative society का वह discount में goods बेचे जाते हैं. Then other notable business organized like close operative. अब close operative क्या रहता है? This type of business is present the continuous such as South Africa. It is like the private limited company. Closely operate किया जाता है. Just 50 logos में maximum या limit रहती है. 10 people like अपने इधर banking sector. You only need to simple funding system which is since like register company and started with business. यानी 10 लोग मिलके company की तरह register करते और business को start करते. ये pattern कहाँ पे? South Africa में. Okay. The all member are merger. और ऑल मेंबर्स को क्या बोला जाता है? मर्जर, यानी सबकी अलग कंपनी के नाम से बोला जाता है. 10 को एक करके एक कंपनी की जाते हैं. ऑडी आर थ्री नंबर डिफरेंट नंबर ऑफ कंपनीज. वो तीन गोल जो है ऑडी के, वो तीन अलग कंपनियों के नाम है जिनको ज्वाइन करके ऑडी बना हुआ है. अ सेपरेट लीगल यूनिट हैज बोर्ड ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी. द डिसएडवांटेज देखो क्या है उसके, द साइज लिमिट इज नॉट सुटेबल. छोटी है तो कैपिटल भी छोटा रहेगा, तो प्रोडक्शन लिमिट भी छोटी रहेगी. देन मेंबर ऑफ मे बी डिग्री जस्ट लाइक अ पार्टनरशिप. और वो कैसे लगती है? अपने इधर की पार्टनरशिप डीड की तरह लगती है. देन तुम लोगों ने जॉइंट वेंचर, इसके ऊपर शॉर्ट एंड स्वीट बताऊंगा मैं. जॉइंट वेंचर विद अ कंपनी ऑफ जॉइंट ऑफ टू डिफरेंट नेम, लाइक हीरो की साइकिल और होंडा की मशीन. उन दोनों को मिला के बनाया होता है हीरो होंडा मोटर बाइक साइकिल. मोटर बाइक साइकिल, पहले हीरो की क्या थी? साइकिल. हीरो की साइकिल बनती है, साइकिल है बाईसाइकिल हीरो की. और मोटर इंजन जो मोटरसाइकिल में यूज होती है, ये होंडा कंपनी बनाती है. दोनों को मर्ज करके एक मोटरसाइकिल बनी, इट्स अ हीरो होंडा. ओके, इट इज अ हीरो होंडा. अब हीरो भी यह नाम है, होंडा भी नाम है, दोनों नाम दिख रहे, इट इज अ जॉइंट वेंचर. अगर दोनों नाम की जगह अलग नाम बना था, इट इज अमलकमेशन. इट इज अ डिफरेंट. तो देखो, टू बिजनेस एग्री टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट टुगेदर शेयरिंग कैपिटल रिस्क एंड प्रॉफिट इज नोन एज जॉइंट वेंचर. Share cost and goods are tracked for taking expensive project. Example, aircraft. Pool knowledge, यानी क्या करते हैं? Knowledge को pool किया जाता है, foreign and local. अब hero cycle कहाँ की है? Local है. और Honda ये Japanese technology है, Honda की machine. दोनों को एक करके hero Honda motorcycle बनाई गई. Risk is a share. और दोनों में risk share किया जाता है. Loss होगा 50% तेरा, 50% मेरा. क्यों? क्योंकि single person loss उठाने से अच्छा है कि थोड़ा partnership में लिया जाए. Disadvantages देखो क्या. Profit have been shared. Disagree may be occur. The two partner may be not run joint venture differently. अब जब दो partner है तो अलग से नहीं, जो है वो दोनों को मिलके authority लेके एक साथ चलना पड़ता है. इसके बाद the business is franchise. Franchise क्या होता है? एक नाम, एक बंदा, एक brand, लेकिन number of जगह पे same formula से चलने वाला business. ये तो one formula for all there. जैसे McDonald's, Burger King, इनके टेस्ट वगैरह को कायम रखने के लिए उनकी जो पॉलिसीज रहती है सेम रहती है. द फ्रेंचाइजर इज अ बिजनेस विद सक्सेसफुल ब्रांड नेम दैट्स रिसीविंग फ्रेंचाइज. द फ्रेंचाइज हैव टू पार्ट. Company. आवश्यक आहे.
काका हाय मग तोच होता वाटत मग स्वयंदीप त्यांना आप्पा आप्पा आवाज मारत होता काकाला आप्पा बोलतो मी तर खाली बघ एकटी बसले आणि तुम्ही काय तू बघ बोगद्यावर गाडी घेऊन गेलीस तेव्हा मी एकटीच बसलेली ना मोबाईल असा मांडीवर घेतलेला आणि बसलेली मांडक मांडी घालून तो तिकडनं आला तर मला विचारला ताई एकटीच का बसलीस इथं म्हटली एकटीच नाही ताई स्कूटी चालवत होती ना ती वाटत वरती घेऊन गेले स्कूटी तक मग घरात नेला नाही म्हटली घरी नाही वरती बोगद्यावर नेला नाही चालवत तक मग तू का इथं बसलीस तू चालवतेस का ती चालवत होतीस म्हटलं मी एक जाऊन खालनं मारला आणि आता ताई चालवते तक ठीक आहे म्हटलं तू कुठनं मी विचारलं त्याला तू कुठनं तू का उन्हातनं फिरतोस तक ना आपण दाखवत होतं धरण दाखवायला यायचं होतं पण धरणावर जाऊन देत नाही